आज महाशिवरात्री तब्बल 12 वर्षांनी सोमवारी महाशिवरात्रीचा योग आल्याने भाविकांमध्ये एक वेगळाच उत्साह दिसून येतोय. पहाटेपासूनच भाविकांनी मंदिरामध्ये दर्शनासाठी गर्दी केली. हरिद्वार, जम्मू, गुजरात जिल्ह्यातही भाविकांनी शिवलिंगाचं दर्शन घेतलं. ठिकठिकाणच्या शिवमंदिरांमध्ये आकर्षक सजावट करण्यात आली होती. आज सर्वत्र हर हर महादेव, ओम नमः शिवायचा जयघोष सुरू आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त महारुद्राभिषेक, होम हवन, महाप्रसाद, भजन कीर्तन, प्रवचन या धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजनही करण्यात आलंय. हरिद्वारमध्ये या निमित्ताने भाविकांनी कालपासूनच गर्दी केली होती. गंगा घाटावर जाऊन पहिल्या स्नानाच्या पर्वणीसाठी भक्तांचा जनसागर उसळला होता. देशातच नव्हे तर परदेशातील पर्यटकांनी भारताची संस्कृती ठेवा जपण्यासाठी गर्दी केली. शिवपुराणात महाशिवरात्रीचं विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी महादेव शंकराचा अंश प्रत्येक शिवलिंगात दिवसभर प्रतिष्ठित असतो असं मानलं जातं. मंदिरात जाऊन मातीच्या भांड्यात पाणी भरून वरून बेलपत्र, फुलं, भात शिवलिंगावर चढवतात. दिवसभर उपवास करून अखेर रात्री फलाहार केला जातो. हरिद्वारसह जम्मू काश्मीरमध्ये महाशिवरात्रीचा उत्साह दिसून आला. महाशिवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला जम्मू ठिकठिकाणी मोठमोठ्या रॅली काढून आकर्षक देखावे सादर करण्यात आले. यावेळी भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. तर गुजरातच्या जुनागढमध्ये महाशिवरात्रीनिमित्त मोठ्या प्रमाणात यात्रा भरवण्यात आली. Came here to participate in the Hindu Heritage Tour organized by the Hindu Heritage Foundation, and it has been a good pilgrimage for me to be traveling this holy city of Ganga. I came from Trinidad and Tobago, that's situated in the Caribbean island. I'm here on a Indian Heritage Tour hosted by the Hindu Heritage Foundation. I feel very excited, elated. Independently हमारे साथ पूरे संगठन को लगा है. मोटिव यह है कि जो भारत की संस्कृति है जिसके बारे में सभी लोग आज की डेट में, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद, सारे देशों में जाने के बाद बड़ा एक उत्साहित होकर के लोग जानना चाहते हैं हमारी संस्कृति के बारे में. और हिंदू हेरिटेज फाउंडेशन ये 16 साल से कराती रही है. बस इस बार हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि 38 देशों के बच्चे एक साथ, 150 बच्चे 38 देशों से आएंगे, और इस बार आए और दो दो हमारे साथ एम्बेसडर्स भी आए कि हमारे साथ इस ट्रिप में जाने के लिए, और ताकि ट्रिप से जा कर के ये हमारी संस्कृति को समझ सके जिसमें गंगा का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है. बॉम्ब स्क्वाड दो टीम है जो राउंड द क्लॉक चेकिंग करेगी. जो भी कुछ भी अगर आपको सस्पिशियस दिखता है, मैं जनता को भी अपील करना चाहूँगा कि कुछ भी सस्पिशियस कोई आदमी, व्यक्ति या कोई चीज़, तो हमने यहाँ पे बहुत जगह पे फ्लैक्स बैनर भी लगाए कहाँ पे संपर्क करना है, या तो 100 नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं. तो इमीडिएटली हम रिस्पॉन्ड करेंगे और जो भी चीज़ है उसको चेक करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे.